तिरु माने श्री, तिरु माने जो संस्कृत में श्री है वो तमिल भाषा में तिरु है, वो श्रीपति हैं, उनको अगस्त ऋषि ने स्थापित किया है, उनको दुनिया के बहुत सारे बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पार्टनर बनाते हैं, जितने परसेंट का बनाते हैं उतने परसेंट ईमानदारी से चढ़ाते हैं। गोपियां कह रही हैं जो उस कथा को सुनता है उसको श्री प्राप्त हो जाती है। आप में से कौन ऐसा है जो श्री नहीं चढ़ाता? अब मैं नहीं कह रहा है, गोपियां कह रही है, श्रवण मंगलम श्री मदादतम। हर आदमी आरती में गाता है, एक ही चीज मांगता है, जो यहाँ पे फल पाव दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से आइए पीछे वाले का सुख संपत्ति घर आवे, माल पानी घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। भैया माल पानी तो सबे चाहिए, जो कथा करवा रहे हैं उनको भी चाहिए, जो कि धर्म जागरण का काम होना है तो उसमें भी माल पानी चाहिए, जो कथा के यजमान हैं उन्हें भी चाहिए, जो कि भगवान की कृपा होगी तो और पुण्य होंगे उनके हाथ से। आप भी जितनी माताओं ने कलश उठाए हैं आप भी सब यही चाहती हैं, हमारे घर में सुख शांति हो, सुख संपत्ति बढ़े, कष्ट मिटे तन का, दुख बिन से मन का, कौन नहीं चाहता? इसकी गारंटी गोपियां दे रही हैं। कथा का अमृत मनुष्य के जीवन की समस्त टेंशन्स को, ध्यान से सुनिए, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, जिन चीजों से जीवन में टेंशन होती है उनको समाप्त कर देता है। आजकल टेंशन से चार बीमारी बढ़ रही हैं, डायबिटीज, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारी। मेरठ तो मेडिकल साइंसेज का हब है, सबसे ज्यादा चिकित्सा मेरठ में होती है। आप देखते हैं चार बीमारियां पूरी दुनिया को, ये चारों टेंशन से हो रही हैं। आप जब कथा सुनेंगे तो टेंशन भी दूर हो जाएगी। तो ये कथा पूरी थेरेपी है, आपके तन को भी स्वस्थ करेगी, मन को भी स्वस्थ करेगी और घर में माल पानी भी चकाचक कर देगी। ऐसी ये दिव्य कथा, जहां साक्षात हनुमान जी बैठे हैं वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, असबर दीन जानकी माता हैं, तो फिर वहां किस चीज की कमी है? तो कथा की महिमा के रूप में मैंने कुछ शब्द आपके बीच में रखे। महिमा तो बहुत है, 9 दिन तक भी गाई जाए तो भी कम नहीं है, लेकिन पहले दिन मंगलाचरण करने का विधान है। पंडाल के जितने लोग बैठे हैं वो जरा मेरे साथ मानसिक रूप से ध्यान करें, ओम विष्णवे 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 ब्रह्मोणनी द्वितीय परार्धे श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाम्बिशम कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तें देशांतर गते मैं राष्ट्र स्थिते मेरठ नामने नगरे भैंसाली पवित्र स्थाने। आप सब से प्रार्थना है कि आप सब अपने नाम और गोत्र का सुमिरन कर लें, अपने पूरे परिवार का ध्यान कर लें, पूरे कुटुंब का ध्यान कर लें, साथ में अपने कुल देवताओं और अपने पितरों का भी ध्यान कर लें, तीन पीढ़ियों के आपके पितर वो सब। विरोधकृत नामने संवत्सरे शुभे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे द्वितीयाम तदोपर तृतीयाम तिथौ भौमवासरे अहम, अपना नाम सुमिरन करिए, अपने गोत्र का नाम सुन करिए, अमुक नामम अमुक गोत्र उत्पन्नोहम सकुटुंबोहम सपरिवारोहम। भगवान श्री राम भगवान श्री सीताराम कृपा कटाक्ष प्राप्त्यर्थम नव दिवसीय श्री राम कथा अनुष्ठानम श्रवणार्थम अहम संकल्पम करिष्ये। तो ये हमने मानसिक रूप से संकल्प किया श्री राम कथा श्रवण करने का, और ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कितना बड़ा, ये तो आपकी अपनी अपनी पात्रता होगी कि 100 नंबर में से आप कितने नंबर प्राप्त करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि 20 नंबर स्थान के होते हैं और 20 नंबर काल के होते हैं।
ये वो स्थान है जिसके बगल में ही वो महादेव का मंदिर है, जो महादेव साक्षात मैं दानव ने, यानी मैं हमारे देश के बहुत बड़े इंजीनियर साइंटिस्ट दैत्य रहे हैं, दैत्यों के राजा रहे हैं, उन्होंने स्वयं प्रकट किया, जहां मंदोदरी स्वयं भगवान शिव की पूजा करने जाती थी, उस स्थान का ये सानिध्य है। आप समझिए कितना प्राचीन ये स्थान है, करोड़ों करोड़ों वर्षों की प्राचीन संस्कृति की धरोहर का, यही माँ काली का मंदिर है। अभी सदर में से आ रहा था तो वहां, अब आक्रमणों में बहुत सारा बीच में सब डिस्टर्ब हो गया, बहुत सारे बीच में घर बन गए, सब हो गया, लेकिन ये मूल स्थान जो है ये महाकाली और महादेव का है। इसलिए गंगा यमुना के बीच में है, इधर जितनी दूर गंगा जी इधर उतनी दूर यमुना जी, ये भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र का ये 20 नंबर स्थान के भी पक्के हैं और काल के भी पक्के हैं, क्योंकि बसंत की ऋतु चल रही है। कौन सी ऋतु चल रही है? बसंत। भगवान ने भगवद गीता में कहा, मैं नदियों में गंगा हूं, पर्वतों में हिमालय हूं, मनुष्यों में राजा हूं, वृक्षों में पीपल हूं, पशुओं में सिंह हूं। अर्जुन ने कहा आप ऋतुओं में कौन है? बोले ऋतुओं में बसंत हो। तो बसंत की ऋतु है, काल भी सिद्ध है, स्थान भी सिद्ध है। मैं आपको इस अनुष्ठान के जो 100 में से 100 नंबर हैं उसके बारे में थोड़ा सा निवेदन कर रहा हूं। स्थान के 20 नंबर होते हैं, काल के 20 नंबर होते हैं, वो दोनों आपके पक्के हैं, पासिंग मार्क्स हो गए। अब 20 नंबर आपकी भावना के हैं। अब देखिए भावना अलग अलग है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान कृपा तो सब पर ही करते हैं, लेकिन सब पर अलग अलग होती है उनकी भावना के अनुसार। भावना संबंधों पर डिपेंड करती है, इमोशंस आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द रिलेशंस। जितना गहरा संबंध होगा उतनी गहरी भावना होगी। इसलिए आपकी भावना जितनी अधिक हो, आज आप भावना में आए, कितने बजे आ गए थे अवगणनाथ मंदिर? है जी 11 बजे। अरे बड़े वीर योद्धा हैं भाई, 11 बजे आ गए थे। अरे तब तो फिर जल्दी होगी जाने की, क्योंकि भूख भी लगी होगी। है जी भोजन की व्यवस्था थी? अच्छा सबने भोजन कर लिया? अच्छा तो ही तो मैं कहूं इतना बढ़िया कैसे गा रहे भाई, क्योंकि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी पर बाबा, अवगणनाथ के दरबार में आके कौन भूखा रह जाएगा। तो 20 नंबर भावना के, 20 नंबर स्थान के, 20 नंबर काल के और 20 नंबर मेहनत के। अब यहां के जो मेहनत करनी है, कोई फावड़ा तो चलाना नहीं किसी को, यहां सुनने की मेहनत है, कौन कितनी अच्छी तरह सुनता है। इस देश में एक ऐसा प्रेत हुआ, उसने ऐसी कथा सुनी कि 7 गांठों का बांस फट गया और धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ। भगवान के हेलीकॉप्टर में बैठ के जा रहा था तो गोकर्ण जी ने व्यासपीठ के माइक से पूछा भगवान के पायलट से, सुनो पायलट जी इसे क्यों लेके जा रहे हो? बोले जी इसने कथा सुनी है। उन्होंने कहा कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है, उस दिन समापन था, कथा में बहुत भीड़ थी, आप इनको लेके क्यों नहीं जा रहे? वो पायलट मुस्कुराया, उसने कहा मेरा प्लेन ऑटोमेटिक है, आप जितने चाहें उतने चल सकते हैं, आप पूछ लीजिए इनमें से कोई बैकुंठ जाना चाहता है क्या? एक बहुत बूढ़े बाबा जी बैठे थे, लोगों ने कहा बाबा जी चले जाइए, अब तो आपने दुनिया देख ली। बाबा जी बोले हैं ऐसे कैसे चला जाऊंगा, ब्याज पे जो पैसे उठाए वो कौन वसूलेगा भाई। एक अम्मा जी बैठी थी बहुत बूढ़ी, अम्मा जी से उनकी बहुओं ने कहा अम्मा चली जाओ, शरीर जाने का मौका मिल रहा है। अम्मा बोली नहीं अभी बहू को खुशखबरी होने वाली है, सोने की सीढ़ी चढ़ूंगी। तो ना अम्मा गई ना बाबा गए। गोकर्ण जी ने पूछा भाई इसी को क्यों ले जा रहे यार, आखिर क्या स्पेशल बात है? भगवान के दूत ने कहा कि देखिए कथा तो सबने सुनी, लेकिन बाकी सब 3 घंटे सुनते थे और फिर घर चले जाते थे और चर्चाएं करते थे। अभी हम यहां से पंडाल से जाएंगे तो कौन सी चर्चा करेंगे,
कि आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें आई, क्या स्कोर रहा, करेंगे ना। तो उनने पायलट ने कहा कि बाकी सब तो दुनिया की चर्चा में लगे रहते थे, लेकिन ये जो प्रेत कथा सुनता था, ये 3 घंटे सुनता था, 21 घंटे चिंतन करता था और इतना रोता था, इसको लगता था जो कथावाचक है वो मेरा छोटा भाई है। एक बाप के बेटे होने के बाद भी मैं बिगड़ गया और ये कितना महान हो गया। तो वो इतना प्रायश्चित करता था और कथा के एक एक सूत्र का चिंतन करते हुए जो ये 7 दिन रोया है, तो इसके सारे मैल धुल गए और भगवान ने कहा कि पृथ्वी पर एक आदमी निर्मल मन का हो गया है, जाओ उसको ले आओ, इसलिए हम इसको लेने आए। देखिए भगवान ना किसी का मन देख, ना किसी का धन देखते हैं, ना किसी की जाति, ना किसी का बल, ना किसी की पद, ना प्रतिष्ठा, वो तो मन देखते हैं। उन्होंने शबरी को कहा, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। मैं ये 10 चीजें नहीं देखता, मैं क्या देखता हूं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहि कपट छन क्षेत्र न भावा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छन क्षेत्र न भावा। तो याद हो गए आपको, 20 स्थान के, 20 काल के, 20 भावना के, 20 मेहनत के, किसने कितना सुना, कितना चिंतन किया। मैं एक बार एक परिवार में चाय पीने गया तो जिन बहन जी ने चाय परोसी, मैंने उनसे कहा कि आपने इसमें चीनी नहीं डाली। उन्होंने कहा भाई साहब मैंने तो डाली है। मैंने कहा फिर ये फीकी क्यों है। उन्होंने कहा भाई साहब आपने इसको चम्मच से चलाया नहीं होगा। अब चूंकि आजकल कुछ डायबिटीज वाले रहते हैं, कुछ वैसे रहते हैं, तो चाय में चीनी अलग से डालनी पड़ती है। उन्होंने कहा महाराज जी मैंने आपकी चाय में तो और एक्स्ट्रा एक चम्मच डाली थी, लेकिन आप चम्मच से नहीं चलाएंगे तो मिठास कैसे आएगी। उसी दिन मुझे ध्यान में आया कि कितनी भी अच्छी हम कथा सुन लें, लेकिन जब तक अपने अंदर चिंतन नहीं करेंगे तब तक उसकी मिठास नहीं आएगी। तो 100 में से 100 नंबर अगर लेने हैं तो इनका ध्यान रखें, प्रेम से श्रवण करें। आज पहला दिन है, ये कथा का समय 3 बजे से 6 बजे तक रखा गया है। ये समय ठीक है, आप सबको उपयुक्त है, आपके लिए तो बहुत ही उपयुक्त होगा। ये मेरा निवेदन है कि आज मंगलवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बहुत ही शुद्ध मुहूर्त में आप सब अपनी कमर सीधी कर लें और मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करें। एक बार इस मंगलाचरण का गायन आप करेंगे और आरती करेंगे तब आपको आज का अनुष्ठान पूरा हो जाएगा जो आज आपने इतनी मेहनत की है। और फिर कल से फिर 3 बजे हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, ठीक 2:30 बजे यहां भजन प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक 3 बजे कथा प्रारंभ होगी। कल के बारे में अभी से बता दे रहा हूं कि कल भगवान शिव का विवाह हम अपनी कथा में यहां संपन्न करेंगे। कल तृतीया भी है, फिर चतुर्थी भी है, तो तृतीया गौरी की होती है, चतुर्थी गणेश की होती है। गौरी का विवाह होगा और फिर गणेश का जन्म होगा, दोनों का उत्सव हम लोग अपनी कथा में कल यहां मनाएंगे। आप सबसे निवेदन है कि कल के लिए सबको और सूचना देकर भगवान की बारात में, भगवान शिव की बारात में, चूंकि शिव का ये धाम है, यहां दुनिया का सबसे प्यारा शिवलिंग पूरा महादेव आप जानते ही हैं, जो बहुत ही सिद्ध शिवलिंग है, और महर्षि वाल्मीकि का तपस्थान बलैनी वो भी यहां है। तो ये बड़ा दिव्य क्षेत्र हस्तिनापुर साम्राज्य का जहां हम लोग बैठे हैं। आप सबसे निवेदन है जरा मेरे साथ मंगलाचरण का गायन प्रेम से कर। ओ
पहले श्लोक में माता सरस्वती और गणेश जी का ध्यान करें। वर्णा नाम संघाना रसानां छंदसामपि मंगलानां चकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भगवान सूर्य का ध्यान करें। आदितस्य नमस्कारां ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयाभिन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान श्री राम का ध्यान करें। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी का ध्यान करें। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोली रजराम चंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी लोग ताली बजा के श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर नहु रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार वो सब दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विशंभव वीर श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दार जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन पार। श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी हे मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी हे जय 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 गुसाई जय 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 हनुमान गुसाई जय 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 हनुमान गुसाई जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव पिनाई कृपा करहु गुरुदेव पिनाई जेहि विधिनाथ हो यही हित मोरा विधिनाथ हो यही हित मोरा जेहि विधिनाथ हो यही हित मोरा जेहि विधिनाथ हो यही हित मोरा करहु सुबेग दास में
दयाल बीरज संभारी हर नाथ मम संकट भारी हर नाथ मम संकट भारी श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय 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 राम जय जय राम महादेव का ध्यान करें आओ सादर शिव ही नाई अब माथा सादर शिव ही नाई अब माथा वरन हूँ विशद राम गुण गाथा वरन हूँ विशद राम गुण गाथा जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन शरणन माता जय गज बदन शरणन माता जगत जननी दामिनी दुति गाथा जगत जननी दामिनी दुति गाथा राम कथा कले कामत गाई राम कथा कले कामत गाई सुजन सजी बनी पूरी सुहाई सुजन सजी बनी पूरी सुहाई मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी सागर शिव ही नाई अब माथा सागर शिव ही नाई अब माथा वरनहु विशद राम गुण गाथा वरनहु विशद राम गुण गाथा सागर शिव ही नाई अब माथा सागर शिव ही नाई अब बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय आज के आनंद की जय सब संतन की जय सब देवन की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बोले महाकाली मैया की जय मंगलाचरण आज का हम लोगों ने कर लिया और मेरठ की इस पावन धरती से जिससे कि गीता में भगवान का वचन सत्य हुआ धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे इसी मेरठ के सम्राट के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर ने पूरी पृथ्वी के धर्मराज की पताका संभाली ऐसे ऐसे तपस्वी लोग यहाँ पर हुए जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने तप से एक संदेश दिया महाराज शांतनु जिनकी पत्नी बनकर गंगा पहली बार पृथ्वी पर आई गंगा को अगर बहु बनने का सौभाग्य मिला तो इसी धरती का प्राप्त हुआ जिनकी कोक से दुनिया का सबसे बड़ा वीर उत्पन्न हुआ भीष्म जब वो चलते थे तो जिन राज्यों में से गुजरते थे उनके झंडे झुका दिए जाते थे तो ऐसी इस पावन धरती पर अब ये 9 दिन तक रामकथा की गंगा बहेगी वैसे तो गंगा जी की भूमि ये है ही है लेकिन जब इसमें कथा की गंगा बहेगी तो और अधिक आनंद होगा आइए आज
चूंकि मुझे 4 बजे तक करने का ऐसा निवेदन था समिति का, लेकिन थोड़ा सा आप बैठे रहे और भावपूर्ण विषय चल गया तो थोड़ा सा मैंने आपके सामने रखा। कल से पूरी आपकी सेवा, चूंकि आज 11 बजे से सभी बहनें आई हुई हैं, अब सब लोग आरती कर लें जिससे कि पुण्य आपका पूरा हो जाए, जाने से पहले आपके द्वारा आरती भी हो जाए। आपसे निवेदन है कि प्रेम से आरती के लिए सब लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर और प्रेम से आरती करें। आरती से पहले सूचना जो होगी उसको ध्यान से सुनेंगे, खड़े होकर सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद आरती करेंगे जी। आरती होगी अभी, आरती के पश्चात प्रसाद की व्यवस्था है वो बाहर से लेंगे। आरती हेतु हमारे मुख्य यजमान श्रीमान योगेश मोहन जी, माननीय विनोद भारती जी, मुकेश सिंगल जी और अमित अग्रवाल जी जो हमारी कथा के कोषाध्यक्ष हैं, वे मंच पर आ जाएंगे। आज की कथा के हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय दर्शन लाल अरोरा जी, माननीय सूर्यप्रकाश टोक जी, श्रीमान राजीव दीवान जी, सिद्धार्थ शर्मा जी, रोहितास जी प्रजापति, मनिंदर पाल जी भराला, सर्वेश रस्तोगी जी, कमल ठाकुर जी, दीपक शर्मा जी, श्रीमती रूपा जैन बहन जी, ममता मित्तल जी, कुमारी पूनम बिश्नोई जी कथा हेतु मंच पर अपना स्थान ले लेंगे। देखिए, एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात यह है कि महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा नई बनी है और वो माधव कुंज में स्थापित होगी। औगणनाथ मंदिर से उनकी शोभा यात्रा हुई और यहाँ 9 दिन। अब महर्षि जी को हम क्या कथा सुनाएंगे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। आदरणीय आनंद प्रकाश जी भाई साहब, फूल सिंह जी भाई साहब, विनोद जी विभाग प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विभाग कारवा जी, अशोक जी भाई साहब, प्रेम से सब लोग आरती करें। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सियती की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सियती। सबकी ताली। कापत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, शुक्र शरण काज शेष और शारद, वरन पवन शुद्ध कीर्ति की। आरति श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित कलित श्री की। कावत वेद पुराण अष्ट दस, शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुन जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित कलित श्री की। गावत संतत शंभु भवानी, और घट संभु मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ष बखानी, काग भूषण दि करुण की। हे आरति श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित श्री की। कलिमल हरण विषय रस थी की, सुवग शिकार मुक्ति जुबती की, ललन रोग भव मूर अमी की, तात माते सब विधि तुलसी की। हे आरति श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित श्री की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे, भवम् भवानी सहितम् नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या प्रवणम् त्वमेव, त्वमेव सर्वम् मम देव देव, त्वमेव सर्वम् मम देव देव।
हारार्थिक्यम समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने स्थान पर दाहिने हाथ की ओर घूम जाएं एक बार, पहले इधर घूमे फिर पीछे फिर ऐसे, हाँ ऐसे, और सभी बोलें राम राम, राम राम जी, राम राम। सभी कल 2:30 बजे पधारें, 3 बजे कथा प्रारंभ होगी और शुभारती चैनल पर इस कथा का डायरेक्ट टेलीकास्ट रहेगा, लाइव टेलीकास्ट रहेगा। तो आप अपने जितने भी परिचित रिश्तेदार हैं बाहर सबको बता सकते हैं, वो सब आपका भी दर्शन करेंगे, कथा का भी दर्शन करेंगे और आनंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े प्रेम से प्रसाद लीजिए। जो MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक MDH। श्री विश्व मंगल हनुमान धाम तारखेड़ी के सानिध्य में त्रिदिवसीय श्री विश्व मंगल ज्ञान गंगा यज्ञ एवं दुख निवारण ध्यान योग साधना, जिसमें शारीरिक अशुद्धता, बाहरी बाधा, अन्य क्लेशों से मुक्ति हेतु ध्यान योग में जल अभिमंत्रित कर ग्रहण कराया जाता है, जिससे नकारात्मक वातावरण से मुक्ति मिलती है और रुके कार्य को गति मिलती है। अपने गांव शहर में साधना कराने हेतु संपर्क करें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। MDH किचन किंग मसाला, लाइक मैजिक MDH। बन्नो अवध भुवाल सत्य प्रेम जिहि राम पद, विसरत दीन दयाल प्रिय तन त्रणयु पर हरियो। अंतरराष्ट्रीय कथावाचिका परम पूज्या दीदी उषा रामायणी जी की अमृतमय वाणी में चौबेपुर कानपुर उत्तर प्रदेश में श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया गया। इस महा आयोजन का विशेष प्रसारण देखें 11 फरवरी 2020 से दोपहर 1 बजे से सिर्फ शुभारती टीवी पर।